फिल्म जैसे कि आपको पता है डीजे वाले बाबू आ चुकी है सिनेमाज में, परसों आई थी, और इतना प्यार मिलन लाग रहा ने हरियाणवी में बोलूंगा मैं, इतना प्यार मिलन लाग रहा ने फिल्म ने कि मैंने उम्मीद नहीं थी। मेरे तो इतने टोंट मारे गए थे जब यह फिल्म बनाओ था मैं, कि दो टिकट नहीं बिका, चार टिकट नहीं बिका हरियाणा में, कड़े तू फिल्म बनाने लाग रहा है, तेरी फिल्म कौन देखने आवेगा। मगर हाउसफुल शो जान लाग रहे हैं, दिल्ली वेगस में, भिवानी में, हिसार में, रोहतक रेवाड़ी, हाउसफुल के हाउसफुल शो जान लाग रहे हैं। मेरे तो थोड़े वीडियो भेज रहे हैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि इतना लोगों ने प्यार दिया है। और इतना कहना चाहूंगा तो हमने इज्जत बचा ली मेरी। और जो नहीं गए हैं फिल्म देखन, कई कहा इस कह चलेगी फिल्म हम क्यों देखांगे, भाई साहब देखो शरीर भगवान ने दिया है, मैं पतला हूं मोटा हूं ये तो भगवान की देन है, ठीक है, बस मेरी मेहनत देखो, जो टैलेंट दिखाया है मैंने वह देखो। और मैं यानी कहना सीधे जाओ फिल्म देखन, जो फिल्म देख का आया है ना उससे एक बार पूछ लियो तुम फिल्म किसी लागी, अगर वो कहते ना फिल्म में दम नहीं है घटिया है तुम जाके फिल्म हटवा दियो मेरी सिनेमा से। मैं इससे ज्यादा क्या कहूंगा, इतनी मेहनत कर रखी है सारी टीम ने, आप एक बार जाके देखो, ये जो बैनर लगे हैं, प्रमोशन हुई है, 50 50 60 60 स्क्रीन पे अगर लगवाई है, ये बहुत मेहनत तो लगी है भाई साहब, बहुत रिक्वेस्ट था आप समझ सको, बहुत पैसा लग गया इस चीज में। अगर कोई कह भी है भी मान ले भी क्यों होगा तो फिल्म में बनाई है भाई साहब, एक बार बना के देखो आप, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप सब करके देखोगे ना, अपने बेरा पटेगा हरियाणा खातर कितनी हमने मेहनत करी है पूरी टीम ने, और लोगों ने पसंद इतनी आन लाग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा उन सब लोगों का जिनने प्यार दिया है, वीडियो भेजन लाग रहे हैं, कई ताई हैं वे पोस्टर बाहर लगा लगा का आशीर्वाद देन दे, फोटो खिंचान लाग रही है, मेरा बहुत दिल से धन्यवाद है उन सब का। और दूसरी बात कहना चाहूंगा भी जितने भी कलाकार हैं, जो कर मैंने प्रीमियर आंदे देखे हैं पंजाब में, प्रीमियर हुआ है किसी भी मूवी का, तो कलाकार बुलाया जा है, वे आवे हैं फिल्म देखे हैं, तो बढ़िया लग गया। मैंने सोचा यही प्रोफेशनलिज्म मैं हरियाणा में दिखाऊंगा, मैंने प्रीमियर कराया, मैंने हर एक कलाकार से इनवाइट कराया, हर एक कोई भी हो जाए, हर एक किसी के अगर लोगों ने लगा इससे बना नहीं थी उससे उसकी तो कौन बुलाया होगा, मैंने हर किसी थी भेजा है इन्विटेशन, मगर दुख इस बात का है सबने सीन कर कर का छोड़ा है। मैं देखो स्क्रीनशॉट तो तुमने दिखा नहीं सकता क्योंकि उस कलाकार ने भी बुरा लग गया, मगर बहुत दिल तक बुरा लग गया, अभी कोई भी प्रीमियर में नहीं आया, मैंने कोई ऑडियंस नहीं चाहिए थी। इंस्टा पर सोशल मीडिया पर सब तक बड़े अकाउंट मेरे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, सब तक बड़ा इंस्टा हैंडल ले रहा हूँ, सब तक बढ़िया सोशल मीडिया हैंडल ले रहा हूँ, बढ़िया गाना का रिस्पॉन्स है, कोई कोलैब का भूखा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मैंने किसी कलाकार थे, सिर्फ यो दिखाना चाहता था भी भाईचारा है हरियाणा में, सब ने साथ दिया है, एक सुथरा लागता अगर सारे आते ने सुथरा लागता बैठे सारे, बस इस बात का बुरा लग गया है। बाकी जिन कलाकारों ने सपोर्ट कराया है, स्टोरी लगाई है, एक पोस्ट भी छोटी सी अगर मेरा खातर गिरी है, उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं। और यूट्यूबर भाई है जितने, उन्हें कहा है कि ईब तो ये बुलावेगा सबने इंटरव्यू देने खातर, इसने जरूरत है, मैंने किसी यूट्यूबर थी किसी इंटरव्यू देने खातर नहीं बुलाया था, वो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कंपनी ने सब थी बुलाया था, कुछ यूट्यूबर खातर तो मैंने इतनी शर्म आई, उनने जब कंपनी आ रहा मेरे थी बताया कि सर वो तो 25,000 रुपये मांग रहे, 30,000 रुपये मांग रहे हैं, आप समझ लग रही हो इस बात ने, यूट्यूबर ने भी पीछे मांगे हैं कि 25,000 दोगे जब आवेंगे इंटरव्यू लेने और माहौल बना देंगे, इस बात का बहुत बुरा लग गए हैं। और जो आए भी कई, कुछ ने बढ़िया पूछे, कई आने तो सवाल ही से पूछे, किसी ने फिल्म से रिलेटेड तो सवाल पूछे ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा गुलजार ने फीस कितनी ली इस फिल्म में, बहुत अजीब लग गया है सच बताऊं तो। मैं जितना प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना चाहूं हरियाणा में उतना हो नहीं पा रहा, लोग उड़ा जाकर मेरे तक पूछा है कि दिलेर वायर सुमित भाई की लड़ाई चला थारा के कहना है, उसकी लड़ाई उसका चला है थारा के कहना है, उस कला खातर तुम के कहना चाहोगे थारी बनाया गया उसकी एक थंबनेल खातर सिर्फ, तुमने लगा इन बात का कोई मतलब जरूरी हो है अभी मान लो कलाकार हम लड़ाई करवानी या इस तरीके से थंबनेल लगाने ये चीजा करनी,
मेरा यह कहना है भाईचारा बनाओ पूरे हरियाणा में, इस तरीके की चीजें ना कराया करो और हरियाणा ने सपोर्ट करो, हरियाणा खातर जाओ इस फिल्म ने देखन, और अगर पहले सीधे ना जाओ जो गए हैं उनसे पूछो कि किसी की लागी, अगर वे घटिया कहते ना जाइयो, अगर वे कहते भी हम मेहनत करा की है छोरे ने बढ़िया दिखन लग रहा है तो जाइयो भाई, मैं यह कहूंगा। और बाकी कलाकारा ने बहुत जिनने सपोर्ट कराया उनका भी धन्यवाद, जिन ना कराया उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई साहब। मैं ऑडियंस का भुक्का नहीं हूँ, वे लोग तुमने सुने हैं, वे लोग मन ने सुने हैं, बस एक भाईचारा दिखाना चाहता था मैं भाई, मान लो हरियाणा में भाईचारा है उस खातर से मैंने सब इन्वाइट कराया था, मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने कंटेंट पसंद आएगा और आन लग रहा है, लोग इतने जान लग रहे हैं, इतनी देर टिकट मन तो सोची नहीं थी, मेरा सिर्फ मकसद था हरियाणा में थिएटर थी खड़ा करना, वो मेरा सपना पूरा हो गया जो उस कंपनी ने मेरे पे विश्वास कराया था, हरियाणा हरियाणवी जनता थी थिएटर के अंदर लेकर आना एक हरियाणवी फिल्म खातर PVR में इन कंपनियां था, हम जाना क्योंकि रिक्वेस्ट कर करके हमने फिल्म लगवाई है, वे बोले हरियाणवी फिल्म को देखने कौन आएगा, मगर वह जगह बनाई है, आज हाउसफुल शो जान लाग रहे हैं, इस बात की खुशी है, हमेशा जनता भरोसा रखे हमने, जब पहला गाना काटा था जब भी किसी का भरोसा नहीं था, जब भी अपनी मेहनत पर भरोसा करके आया था, 10 गाने काट दिए चाहे 20 काट दिए, सदा जनता का भरोसा पर रहा हूँ, किसी का कोलैब पर और किसी का शेयर का भरोसा नहीं रहा मैं, और यह फिल्म में अभी सब ने मेहनत करी है, मैं किसी आगे गिड़गिड़ाऊं सपोर्ट खातर तो वह जो काम करा क्या है फिल्म में, जिन बड़े आर्टिस्ट ने भी काम करा क्या, जिन बुजुर्गों ने काम करा क्या है उनकी बेइज्जती होगी इस चीज में, सब ने मेहनत करा की है, आप लोग देखो जाके उस मेहनत ने, और उम्मीद है आपने पसंद आवेगी, आप लोग देखोगे तो आपने बढ़िया लगेगा, एक बहुत डीप मैसेज है उस फिल्म में, धन्यवाद।